अंग्रेजी जो बांस की लकड़ी होती है इसे जलाना क्यों अशुभ होता है, कहाँ शुभ होता है? देखिए, बांस की लकड़ी का जो उल्लेख है हमारे हिंदू परंपरा में, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता है। बांस का उपयोग शादी मंडप, जनेऊ, मुंडन, शुभ कार्यों में सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो बांस है उसका वैज्ञानिक कारण अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो जो बांस की लकड़ी को जब हम जलाते हैं ना, तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें न्यूरो प्रॉब्लम या लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए वैज्ञानिक तथ्य तो ये माना गया है, इसीलिए हमें जो बांस है वो नहीं जलाना चाहिए। और अगर आप हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार अगर जानना चाहते हैं कि हमें बांस की लकड़ी क्यों नहीं जलानी चाहिए, तो बहुत सारे कारण हैं। देखिए, जो बांस की लकड़ी है वो माना जाता है कि संतान उत्पत्ति का कारक है। जब हम बांस की लकड़ी जलाते हैं तो हमारे वंश का नष्ट होता है, पितृ दोष है वो बढ़ता है, वो उत्पन्न होता है। और इसके साथ साथ जब हम बांस की लकड़ी को जलाते हैं, तो आपने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में हमेशा बांसुरी होती है, तो जब हम जो कि शुभता का संकेत देते हैं, और जो बांस की लकड़ी है उसी से ही भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बनी है, तो उसे जलाना अगर हम अपने शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जब हम उसी बांसुरी को बजाते हैं तो हमें जलाना नहीं चाहिए, ये अशुभता देता है। जो बांस की लकड़ी है वो फैंगशुई जो वास्तु है उसमें उल्लेख भी किया गया है कि अगर तीन दरवाजे एक ही सीध में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, तो उस वास्तु दोष को कम करने के लिए हम वहाँ पर दो बांसुरी का जोड़ा लगा देते हैं। अपने घर में धन की वृद्धि के लिए हम तिजोरी में बांस से बनी हुई बांसुरी को रखते हैं। जो बांसुरी है वो देखिए वाद्य यंत्र है, म्यूजिक, म्यूजिक मतलब क्या, मन को शांति देने वाला। जब हम इसे जलाते हैं तो वही अशुभता आती है, तो इसीलिए भी शास्त्रों के अनुसार भी हमें बांस की लकड़ी को नहीं जलाना चाहिए। साथ ही अगर हम फैंगशुई वास्तु का उल्लेख करते हैं, अंग्रेजी में, इंग्लिश में बैम्बू कहा जाता है बांस को, तो बैम्बू प्लांट तो शुभता का संकेत है, बैम्बू प्लांट को प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के साथ कनेक्ट किया गया है। जब हम बैम्बू प्लांट अपने घर में रखते हैं तो वो कॉन्फिडेंस देता है। बैम्बू जो है बांस मतलब स्थिर, एक तना हुआ मतलब लकड़ी का टुकड़ा, तो ये हमें कॉन्फिडेंस भी देता है। तो फैंगशुई वास्तु में तो इसको इतना शुभ माना गया है, अगर हम इसे जलाते हैं तो ये अशुभता का संकेत है। शास्त्री जी, अपने वेदों में आध्यात्मिक तौर पर माना गया है कि बांस की लकड़ी को जलाया नहीं करते, आखिर क्या तंत्र है इसके पीछे, क्यों बांस की लकड़ी को नहीं जलाया जाता है? नहीं, ये तो आदिकाल से ही बांस की जो लकड़ी है इसको और कोसा, जिसको हमारी देहाती भाषा में डाब कहते हैं, ये मृतक के उसमें ही यूज की जाती है। वैसे तो गरीब लोग चारपाई भी इसकी बना लेते हैं, इसको वैसे भी काम में ले लेते हैं, पर जलाने के उसमें अपवाद है। और ये आदिकाल से ये लोग कहते आए हैं, बुजुर्ग कहते आए हैं, ऋषि महर्षि, ऐतिहासिक रूप से भी इसको अशुभ माना जाता है कि बांस की लकड़ी को आम चूल्हे में या आम तरह से आम यूज में इसको नहीं जलाते। बस ये अर्थी जब मृतक की शव को ले जाते हैं तो उस पर सबको ले जाते हैं, तब उसकी तपना के लिए ये शुभ मानी जाती है। इसी तरह कोसाका है, जिसको डाब कहते हैं हमारी देसी भाषा में, उसका प्रयोग भी मृतक के शव जब लेता है, ले जाते हैं, तब प्रयोग होता है, और किसी काम में इसको बांस को अशुभ माना जाता है। और अशुभ वो हर दृष्टि से होता है, चाहे वंश के चलने में हो, चाहे किसी व्यवसाय के बढ़ने में हो, या धन दौलत किसी धन संपत्ति के बढ़ाव में ये बाधक माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी थी वो बांस की थी, इसलिए भी इसको नहीं जलाया जाता, क्या इसके पीछे कोई तथ्य है? हाँ, वो ये सतयुग के फर्स्ट प्रिंस थे,
और उन्होंने जिस चीज़ को अपनाया है उसको उसके साथ में श्रेष्ठ माना जाता है। संगीत भी होता है, गाने भी होते हैं, तो होट और बांसुरी का एक ऐसा बहुत ही चोली दामन का संबंध माना गया है और उसी आधार से बांसुरी को भी लोग बंसी जिसको कहते हैं उसको भी महत्व देते हैं और उसी धारणा से श्री कृष्ण के साथ उसको जोड़ते हैं। तो ये भी है जो हमारे ऋषि महर्षि जो अवतारी हुए हैं, श्री राम श्री कृष्ण अवतारी हुए हैं, तो उनकी जो भी अपनाई हुई वस्तुएं उनको श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी तरह ही हमारे समाज में उनका आदर मान सम्मान और वो किया जाता है, हर दृष्टि से उसको एक नतमस्तक भी करते हैं और उसको श्रेष्ठ मानते हैं।